Wow. हम पहुंच गए बुलेट अटक चुके, हेल्प कही। अब मैं 2 मिनट सांस लूंगा गाइस, उसके बाद हेल्प करता हूँ। अब हम लोग जा रहे हैं हेल्प करने। मजा आएगी। हाँ, come on, ओह जांगी साहब आ गए, जांगी साहब, गोल्डविंग, ओह गोल्डविंग। हमारा एक बंदा बहुत पीछे रह गया था, फाइनली ही डिसाइडेड कि मैं नीचे आ जाऊं। अब मैं ऑफ रोडिंग करते हुए, अच्छा वाह स्टेटमेंट। पीछे भी कुछ हिमालयन वाले मिले, वो कह रहे हिमालयन नहीं गई। मैंने कहा वो तो पूरा बाइक से जाके पैक के आ जाओ। सही बात है। ओहो फाइनली नीतीश पहुंच गया है। ओहो वेरी गुड। सो ये झील इस तरीके से बनी थी कि पहले यहाँ माइनिंग होती थी, तो माइनिंग के टाइम पे बम ब्लास्ट से जमीन के अंदर से ये पानी निकला था, तब से इकट्ठा है। उसके बाद बारिशों का पानी इकट्ठा होता है यहाँ पे, तो बिल्कुल अबैंडेंड है। नियर बाय आई डोंट थिंक सो कोई रिहाइश है, एंड मुझे पता नहीं कितना क्लीन है पानी नहाने के लिए, क्योंकि मेरे राइट में कुछ लोग यहाँ नहा रहे हैं। तो यहाँ मेरे दोस्त खड़े हैं, तो मैं दोस्तों से पूछूंगा कैसा एक्सपीरियंस था भाइयों। पहली बार आया तू? 2-3 बार आ चुका है? कितनी बार आ चुका है तू भाई? फर्स्ट टाइम। कैसा लगा? ऑसम एक्सपीरियंस है। लद्दाख पहुंच गए? पैंगोंग लेक बड़े लद्दाख में चले। ये अपनी गोल्डविंग लेके आया जैसा पहले देखा? विंग तो आपको पता ही है कि गोल्डी अपनी हो, सारा काला धन हमने उसमें ही रखा हुआ। मैं बोलना चाहूंगा तो नो चुरा लिया उसे, कसम से इंश्योरेंस के पैसे तो मिल जाए। इंश्योरेंस है गाइस। नोट करने वाली बात है, यूबीसी अल्टीमेट बाइकर्स कैलेंडर, ये हुडीज हमने लास्ट ईयर बनाई थी 2016। यहाँ पे लिखा है वन लाइफ टू राइड, एंड यहाँ लिखा है आई राइड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो दिस वॉज फॉर लास्ट ईयर, अभी इस साल क्या करते हैं आगे देखते जाओ। तो कपिल भाई कैसा लगा भाई? थर्ड टाइम है, बहुत थर्ड टाइम है, वेरी गुड। मेरा तो फर्स्ट टाइम था, बट अमेजिंग है। मतलब 30 किलोमीटर फ्रॉम मेरे घर से, हम टेंटेटिवली लद्दाख को याद करना चाहे तो हम आ सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप बताओ भाई क्या लगा एक्सपीरियंस? भाई मैं तो आता ही रहता हूं। आते रहते हो? अरे वेरी नाइस, अमेजिंग यार, आना चाहिए यार रेगुलरली। सो आई ब्रॉट माय DSLR एज वेल टू क्लिक सम ब्यूटीफुल पिक्चर्स। एकदम ये ब्लू नजर आ रहा है, स्काई ब्लू नजर आ रहा है, और ये जो सारा रॉक है। सो गाइस वी आर हैविंग ग्रेट टाइम हियर, आई एम क्लिकिंग देयर पिक्चर एंड दे आर जस्ट मेकिंग द पोज। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज। हाँ धूल मिट्टी है। कभी तो आप हमारे हरियाणा में। वन मोर गाइस, चीयर अप। आओ आओ सारे हाथ पकड़ लो, ऐसे ना धूल से साथ कभी ऐसे सारे उठा लो, बात करेंगे। यस यस, ऐसे दिस इज कूल। कहां लेके जाएगा? मेरा हाथ में लगी है। कोई नहीं, ये तेरे हाथ में हम लगा देंगे। ये क्या डन डन डन, वेरी नाइस। हां क्या? So we see few more bikers are coming. So I guess काफी लोगों को पता है ये जगह। अब लोगों हाँ लोगों को थोड़ा सा नोन होता जा रहा है, हम जैसे अपलोड कर रहे हैं। अदरवाइज ये एक वर्जिन लेक थी एक्चुअली, है ना?
टोटली वर्जिन लेक थी, वर्जिन लेक थी बिल्कुल। काफी सारी और हिमालयंस यहाँ पे पहुंच रही हैं। पहले ही आई गेस दो हैं, तीन हैं यहाँ पर, एंड चौथी पांचवी छठी एंड आई कैन सी द सेवंथ वन देयर। जी ये लोटा लेके जा रहा है जंगल पानी करने। इसको जोर से लगी है, देखो चाल देखो कैसी है, दबा के चल रहा है। तो गाइस वी आर रोलिंग बैक, बट मेन चैलेंज तो अब है वापस पहाड़ी पे चढ़ाना टूटे फूटे रास्तों में से। लेट्स सी क्या होता है। चलो भाई चलो। एक मिनट आऊं क्या? मुझे भी उतरना ही पड़ेगा वैसे। तो अवेंजर नहीं चढ़ रही है नीतीश से, उसको कोई हेल्प चाहिए, मैं जाता हूँ। काफी डेयरिंग एडवेंचर है क्योंकि यहाँ पे बाइक से बाइक निकल गई, तो मुझे पूरा खड़े होके बाइक को निकालना पड़ेगा, अभी तो बाइक बंद हो गई। कबील भाई पीछे हैं, शायद उनकी बुलेट भी नहीं चल रही। डिसाइडेड दैट वील बी रोलिंग बैक टू द ढाबा, बिकॉज वैसे यहाँ पे बहुत सारी लेक्स हैं जैसा कपिल बता रहा है, बट अभी आज हमने एक ही विजिट करी है और अभी 10 बजने को है और गर्मी भी बढ़ गई है, तो हम लोग वापस जा रहे हैं।
guys, we are finally back to the road. Now we are moving towards the dhaba for the breakfast. And really amazing tha. I'll try in coming weeks. एक बार दोबारा आऊँगा यहाँ पे मैं और थोड़ा अर्ली आऊँगा क्योंकि अभी काफ़ी धूप हो गई थी. अबे लेगा क्या, घुस जाएगा अंदर. So this is a dhaba scene. बहुत सारे bikers आए हुए हैं आज. Specially ये जिक्सर ग्रुप आया जिनकी खुद ही में 15 से 20 जिक्सर हैं, नेक्ड एंड फेयरिंग वाली. So leaving for home guys. चले बाजी. काफ़ी मज़ा आया आज एंड आप लोगों को भी वीडियो देख के मज़ा आया होगा. तो जाते जाते एक बात कहूँगा, लाइफ में हर बंदे के लिए कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई एक्टिविटी ऐसी होती है जिसको करके वो सब कुछ भूल जाता है और उससे खुशी मिलती है. सिमिलरली बाइकिंग मेरे लिए ऐसा है कि जितना मर्जी टेंशन हो 6 दिन का, वो संडे को मैं भूल जाता हूँ. हम घर जाते जाते बहुत अच्छा मोमेंट, बहुत अच्छी खुशी से आई एम गोइंग बैक होम. इज क्लोजिंग अप द वीडियो राइट हेयर राइट नाउ. प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑलवेज राइड सेफ. एंजॉय योर लाइफ. बाय बाय.